फ्रेंड्स, तो अभी हमने अगले वीडियो में देखा कि एक एग्जांपल जिसमें वो मिस्टर एक्स जो है वो रेसिडेंशियल स्टेटस उनका चेक किया तो हमें पता चला कि वो नॉन रेसिडेंट है, बराबर है। अब हम एक ऐसा एग्जांपल देखने जा रहे हैं जिससे पता चलेगा कि वो रेसिडेंट है कि नहीं। अगर रेसिडेंट वो बनते हैं तो आगे भी हमें एक स्टेप लेना है, रेसिडेंट बनते हैं तो आगे हमें चेक करना है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नहीं, बराबर है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं कि मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन यूएसए एंड विजिटेड इन इंडिया एज पर फॉलोइंग डेज, बराबर है। यूएस में नौकरी करते हैं, हर साल इंडिया में आते हैं, तो उनका रेसिडेंशियल स्टेटस हमें चेक करना है। उनका डेज का इन्फॉर्मेशन हमें दिया है, बराबर। डेज की इन्फॉर्मेशन कैसे दी है, 19 दिन, मतलब प्रीवियस ईयर में 182 दिन इंडिया में थे, 18-19 में 200 दिन थे, 17-18 में इंडिया में 200 दिन थे, 16-17 में 200 दिन थे, 15-16 में 300 दिन रहे, 14-15 में 200 दिन रहे, 13-14 में 200 दिन, यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन हमें दी है, बाकी की आगे की नहीं दी है, बराबर है। अब हमें चेक करना है कि वो रेसिडेंट है कि नहीं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ही इज रेसिडेंट इन इंडिया और नॉट। फॉर दैट वी हैव सर्टेन रूल्स। व्हाट इज द फर्स्ट रूल टू चेक द रेसिडेंशियल स्टेटस, दैट ही मस्ट स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज इन अ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा है, 19 दिन में वो कितने दिन होने चाहिए, 182 डेज। वो कितने दिन है यहाँ पर, 182 डेज के लिए यहाँ पर। तो इन अ प्रीवियस ईयर ही स्टेड इन इंडिया फॉर 182 डेज, बराबर। कितने दिन इंडिया में थे, 182 डेज। तो 182 डेज थे तो ये पहली कंडीशन ही सेटिस्फाइड हो गई, तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन गए, रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए, इंडिया का उन्हें रेसिडेंट माना जाएगा, बराबर है। अब ये दो कंडीशन हमें चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले का ही आंसर यस मिल गया। अगर ये आंसर नो मिलता तो हम ये दोनों कंडीशन हम चेक करते, पर फिर भी ये कंडीशन हम चेक कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, 2A 60 डेज स्टेड इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में उनका स्टे इंडिया में कितने होने चाहिए, 60 डेज। प्रीवियस ईयर में उनका स्टे कितने दिन था, कितने दिन इंडिया में रुके थे, वो 182 दिन रुके थे, तो 182 डेज रुके थे। तो ये आंसर भी 2A भी आंसर यस आ गया, बराबर है। पर 2A और 2B दोनों का आंसर साथ में यस आना चाहिए, तो ही यस होगा, प्लस 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 होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, उसको हम कंसिडर करेंगे नहीं। दूसरी कंडीशन क्या है, 365 डेज स्टेड ड्यूरिंग 4 प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर, ETY 4 ETY, बराबर। तो उसके प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल पे जाना पड़ेगा पीछे, और उस 4 साल का टोटल इंडिया में कितने दिन रहे उसका टोटल करना पड़ेगा, और वो कितना होना चाहिए, 365 या उससे ज्यादा होना चाहिए। चलो यहाँ पर 2020 हमारा असेसमेंट ईयर है, 19 हमारा प्रीवियस ईयर है, उसमें 60 डेज होना चाहिए, बराबर है। उसमें कितने दिन होना चाहिए, 60, उसके लिए कितना हो गया, 182, वो तो सेटिस्फाइड हो गया। अब उसके पहले के 4 साल, ये हमारा प्रीवियस ईयर है, उसके पहले के 4 साल, 18-19, 17-18, 16-17 और 15-16, इन 4 सालों का टोटल कितना होना चाहिए, 365 से ज्यादा होना चाहिए, बराबर है। 4 साल का हम टोटल करते हैं, 18-19 में वो कितने दिन रहे थे, 200 दिन। चलो 17-18 में कितने दिन रहे थे, 200 दिन। चलो 16-17 में कितने दिन रहे थे, 200 दिन। और 15-16 में वो कितने दिन इंडिया में रहे थे, 300 दिन। टोटल इतने दिन वो इंडिया में रहे थे। अब इन सबका टोटल कितना होना चाहिए, 365 से आप होना चाहिए, 300, 200, 200 और 200, बराबर है। टोटल कितने दिन हुआ, 900 डेज, बराबर। 4 preceding previous year टोटल, प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल का टोटल कितना आया, 900 डेज होना चाहिए, कितने दिन, 365 डेज बराबर है। कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनते हैं कि नहीं, बराबर है। तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए हमें क्या करना है, ये है ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कंडीशन। क्या कंडीशन है, हमने पहले भी लेक्चर में देखी थी, मैंने समझाई थी, फिर यहाँ समझते हैं। ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए पहले तो वो रेसिडेंट होना चाहिए, तो रेसिडेंट तो है ही, अगर रेसिडेंट है तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनाओ। ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए क्या बोलते हैं, यहाँ दो कंडीशन की है, दोनों एक साथ सेटिस्फाइड होनी चाहिए, दोनों का आंसर यस आना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, ही मस्ट बी रेसिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट फॉर 2 previous years आउट ऑफ 10 preceding to previous years, मतलब उसके प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल का रिकॉर्ड निकालो तो वो इंडिया में कितने दिन रहा था,
उस 10 साल का रिकॉर्ड निकालो कि उसमें से हर साल चेक करो कि वो रेजिडेंट था कि नहीं था, रेजिडेंट था कि नहीं था, बराबर है। और वो कितना होना चाहिए, उसमें से 2 साल का जॉब कहा आना चाहिए कि 2 साल के लिए वो रेसिडेंट था, 2 साल का जॉब क्या आना चाहिए, हाँ आना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है उसके साथ, 730 डेज टोटल स्टे इन इंडिया 7 प्रीवियस ईयर टू टू प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर, बराबर है। मतलब प्रीवियस ईयर के पहले के 7 साल का टोटल निकालना है उसका, 7 साल में प्रीवियस ईयर के पहले के 7 साल में वो इंडिया में कितने दिन रहा, जितने भी दिन रहा हो उतने दिनों का टोटल करो, वो 730 से ज्यादा आना चाहिए तो ये कंडीशन यस माना जाएगा, अदरवाइज ये कंडीशन यस माना जाएगा नहीं, क्लियर। तो चलो इसको टेस्ट करते हैं, बराबर है। पहला क्या है, ही मस्ट बी रेसिडेंट इन इंडिया, बराबर, एटलीस्ट फॉर 2 ईयर्स, और ये दोनों कंडीशन भी है, तीनों कंडीशन हमें चेक करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा या चेक करने के लिए। पहली कंडीशन क्या है, रेसिडेंट है कि नहीं चेक करो, तो रेसिडेंट के लिए कौन सी कंडीशन दी है, 1, 2 और 3, तीनों कंडीशन को हमें ध्यान में लेना पड़ेगा। पहली कंडीशन कौन सी आएगी रेसिडेंट के लिए, 1 कंडीशन, कंडीशन नंबर 1 कैसे आएगी, 182 डेज वाली। उसके साथ 2A कंडीशन क्या है, 2A कंडीशन 60 डेज वाली। उसके साथ 2B कंडीशन क्या है, साथ में 2B कंडीशन 365 डेज है, बराबर है। ये तीनों कंडीशन हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। चलो 10 साल में से 2 साल वो 2 साल में क्या होना चाहिए, रेसिडेंट इंडिया में होना चाहिए। पर ये 10 साल कौन से लेने हैं, प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर मतलब देखो यहाँ 2019-20 उसका प्रीवियस ईयर है, उसके पहले के 10 साल लेने हैं। तो उसके पहले के 10 साल 18-18, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, 13-14, 12-13, 11-12, 10-11 और 9-10, ये 10 सालों का डेटा टोटल, ये 10 सालों का हमें चेक करना है कि वो रेसिडेंट था कि नहीं। तो रेसिडेंट के चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 3 शर्तें देखनी पड़ेगी, शर्त नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन 2A, बराबर है। ये तीनों कंडीशन मैंने यहाँ लिख दी, अब हर एक साल का हम चेक करते जाते हैं, बराबर है। चलो पहले सबसे पहले हम हर एक साल का चेक करते हैं, उसमें सबसे पहले हम कौन सा ईयर देंगे, यहाँ पर प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के पहले का कौन सा है, 18-19 आएगा, 18-19। चलो 18-19 में देखो वो कितने दिन इंडिया में रहा था, यहाँ पर हमारे पास है डेटा, 18-19 में 200 दिन इंडिया में रहा था, कितने दिन रहा था, 200 दिन। चलो 200 दिन रहा था तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, बराबर। मतलब क्या हुआ कि 18-19 में वो बंदा क्या था, इंडिया में रेसिडेंट था, आर लिख रहा हूँ, आर मतलब 18-19 में वो क्या था, रेसिडेंट, क्योंकि वो कितने दिन रहा था, 200 दिन। चलो ये दोनों कंडीशन भी साथ में चेक कर लेते हैं, नीचे वाली दोनों, 60 डेज से ज्यादा था, यस 200 दिन था, तो ये कंडीशन भी सेट हो गई, बराबर है। चलो 365 डेज प्रीसीडिंग टू 4 प्रीवियस ईयर, अब इसके पहले के 4 साल लो, 17-18, 16-17, 15-16 और 14-15, इन 4 सालों का टोटल कितना होना चाहिए, इन 4 सालों का डेज यहाँ लिख देता हूँ, याद रहे इसलिए, 18-19 में कितने दिन था, 200, 17-18 में कितने दिन था, 200, 15-16 में कितने दिन था, 300, 18-19 में 200 दिन, 17-18 में 200 दिन, 16-17 में 200 दिन और 15-16 में कितने दिन था, 300 दिन, 15-16 में 300 दिन। चलो 14-15 में कितने दिन था, 14-15 में 200 दिन और आगे 13-14 में कितने दिन था, 200 दिन। यहाँ डेटा दिया है कितने दिन वो इंडिया में था, बराबर है। चलो अब यहाँ पर देखना है 365 दिन होने चाहिए, अब पहले के 4 साल का टोटल करना है, बराबर है। 18-19 को हम ले रहे हैं, बराबर है, प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल ये रहे, प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल का टोटल 200, 200, 400, 200, 600 और 300, 900। तो प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर कितने दिन है, वो 900 दिन है, तो ये भी आंसर 4 साल का टोटल आ गया, कितना आ गया, 900 दिन। तो ये भी दोनों कंडीशन अगर देखने जाओ तो दोनों का यस आंसर आया, इसका भी यस आया, तो वो हमारे प्रीवियस ईयर में क्या बना,
प्रीवियस ईयर 18-19 में वो रेसिडेंट इंडिया का बना। ऐसा हमने एक साल का भी चेक किया है, किस साल का 18-19 का, सिर्फ एक साल का चेक किया है, बराबर है। प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर 18-19 के पहले के चार साल, ये 18-19 है उसके पहले के चार साल, 200, 200, 300 और 200, 200 और 200, 400 और 300, 700 और 200 कितना हुआ 900, क्लियर। तो प्रीसीडिंग ईयर इसको अगर हम मान के चलते हैं प्रीवियस ईयर, तो उसके पहले के चार साल ये आए, उसके पहले के चार साल ये आए, क्लियर। इन चार साल का टोटल हमने किया, एक साल का हुआ। ऐसे कितने साल का देखना है हमें, 10 साल का रिकॉर्ड देखना है, उसमें से 2 साल वो क्या बनना चाहिए रेसिडेंट। चलो अब 18-19 का देखा, उसके बाद कौन से साल का देखते हैं हम, 17-18 का चेक करते हैं। चलो 17-18 में वो कितने दिन रहा था, 200 दिन। चलो यहाँ 200 आंसर आ गया, मतलब इस साल वो रेसिडेंट था, पहला ही आंसर हमें मिल गया, पहली कंडीशन मिल गई 200 दिन, तो यस आंसर मिल गया। अब ये कंडीशन वैसे तो चेक करने की जरूरत है ही नहीं, 2 साल हमें यस आंसर मिल गया, क्लियर। पर फिर भी हम चेक करते हैं 60 से ज्यादा दिन से कहाँ था। चलो 17-18 के पहले के 4 साल लेने हैं, कितने लेने हैं, 4 साल, 4 ईयर, 4 प्रीवियस ईयर, उसका टोटल कितना होना चाहिए, 365 से ज्यादा, तो ये 17-18 है, ये 17-18 का साल है, इसको हमने प्रीवियस ईयर मान लिया, जिसके पहले के 4 साल यहां से यहां तक 1, 2, 3, 4, उसका टोटल कितना होना चाहिए, 365 से ज्यादा, 200 और 300, 500 और 200, 700 और 200 कितना हुआ, 900, तो इसका टोटल भी कितना आता है, 900, 365 से ज्यादा आता है, तो ये कंडीशन का भी आंसर यस आया, ये दोनों यस आया, तो मतलब दूसरी कंडीशन भी यस हो रही है, तो 17-18 में भी वो क्या बन गया, रेसिडेंट बन गया, इस साल भी उसका आंसर क्या आया, 8, इस साल भी वो रेसिडेंट बना, पिछले साल भी वो रेसिडेंट बना। चलो एक साल और चेक करते हैं, हमें वैसे मैक्सिमम कितने साल तक चेक करना है, 2 साल तक का, 2 साल का जॉब हमें रेसिडेंट यस नहीं मिल जाता तब तक हमें चेक करना है, पहले ही 2 साल में यस आंसर मिल गया, जब तक यस आंसर नहीं मिलता 10 साल का चेक करो, और 10 साल में अगर 2 साल नहीं आता है तो फिर उसे क्या माना जाएगा, वो ऑरिजिनल रेसिडेंट है। एक साल का और चेक कर लेते हैं समझने के लिए, यहाँ हम लेते हैं 16-17 का साल, चलो 16-17 का साल का हम चेक करते हैं, ये रहा 16-17, 16-17 में वो कितने दिन था, 200 दिन था, 200 दिन, तो आंसर क्या आया, यस आया। चलो उसके पहले 60 डेज था, तो हाँ 200 दिन था उस साल, पहले के 4 साल में 365 दिन होना चाहिए, मतलब हम अभी 16-17 को प्रीवियस ईयर मान के चल रहे हैं, कौन सा ईयर, ये 16-17 हमारा प्रीवियस ईयर है, उसके पहले के 4 साल, 1, 2, 3 और 4, 3 साल का डेटा दिया है, 24 साल का डेटा नहीं दिया है, तो 3 साल का टोटल करो, 300, 200, 200, 200 और 200, 400, 300, 700 टोटल आया, तो पिछले 4 साल, इसके पहले के पिछले 4 साल का टोटल 365 से ऊपर जाना चाहिए, तो यहाँ पर कितना जाता है, 700, तो ये आंसर भी यस आया, तो वो 2016-17 में भी क्या बना, रेसिडेंट बना, क्लियर। तो जितने साल का डेटा दिया है उतने साल का आपको चेक करना है, पर हमें मैक्सिमम 2 का आंसर यस चाहिए, 2 साल का, 2 प्रीवियस ईयर का, तो यहाँ 2 साल का तो हमें यस मिल गया, तो यहाँ पर हमारी पहली कंडीशन क्या हो गई, यस आ गया, पहली कंडीशन का आंसर क्या आ गया, यस, यस, पहली कंडीशन यस, तो भाई 2 साल तो वो रेसिडेंट होता है, 2 से ज्यादा साल होता है, पर हमें 2 साल का आंसर यस मिल गया, पर इतने से नहीं चलेगा, इसके साथ और कंडीशन है, दूसरी कंडीशन, इसका जवाब यस आना चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या है, 730 दिन इंडिया में स्टे होना चाहिए, कौन से ईयरों में, 7 प्रीवियस ईयर टू प्रीसीडिंग टू प्रीवियस रिलेवेंट ईयर, प्रीवियस ईयर के पहले के 7 साल हो उसका टोटल 730 से ऊपर जाना चाहिए। चलो वो टोटल करते हैं, प्रीवियस ईयर से पहले के 7 साल ये रहे, बराबर है, ये दी रही है यहाँ पर, चलो प्रीवियस ईयर कौन सा है, 18-19, ये 18-19 हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर है 18-19, उसके पहले के 7 साल, 1, 2, 3, 4, 5, 6 साल का ही डेटा दिया, चलो 6 साल, 7 साल दिया तो 7 साल, उसका टोटल 730 डेज होना चाहिए। अब सभी का टोटल करो, 200 और 200, 400, 200, 600, 600 और 300, 900, 900 और 200, 1100, 1100 और 200,
1300 दिन पिछले 7 साल में वो कितने दिन रहा है, 7 preceding to previous year, उसमें कितना दिन इंडिया में रहा है, 1300 days, 7 preceding to previous year में वो कितने दिन रहा है इंडिया में, 1300 दिन, कितने होने चाहिए, 730 होने चाहिए, तो 730 से ज्यादा ही है 1300, तो इसका आंसर भी क्या आया, यस यस 1300 days, इंडिया में कितना वो स्टे करता है, 1300 days, होना चाहिए कितना, 730, तो ये आंसर डी जाता है जहाँ दो साल वो रेसिडेंट बनता है 10 सालों में से, और ये आंसर डी जाता है दोनों ही जाता है, तो अब हम उसका आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं आंसर लिख रहा हूँ, वो आंसर रहेगा कि मिस्टर एक्स इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, वो इंडिया का रेसिडेंट तो है ही, ये दो कंडीशन देखी तो, साथ में वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी बनता है, मतलब साधारण नागरिक, बराबर है कि इंडिया का रेसिडेंट तो है ही, इंडिया का रहिश तो है ही, पर साथ में वो साधारण नागरिक भी, साधारण रहिश भी वो बन रहा है, क्लियर, पहले वो रेसिडेंट होना चाहिए तो ही ऑर्डिनरी रेसिडेंट में जाना है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट में 2 साल का उसका क्या आना चाहिए, रेसिडेंट आना चाहिए, 2 साल रेसिडेंट चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तीनों कंडीशन हर 10 साल की पिछले की चेक करनी पड़ेगी, तो ये दोनों कंडीशन हमने 3 साल की चेक की है, बराबर है, 3 में से 2 का 3ों का आंसर यस ही आ गया है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ये कंडीशन यस आ गई, ये कंडीशन भी टोटल यस आ गया 1300 दिन, तो वो क्या बन गया, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो ऐसे कैलकुलेशन रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट का होता है, ओके, थैंक यू।